काम हो रहा है, अन्नी भी है, कुत्ती चटा है। जो रविंदर राणा है सिर्फ आऊ बैठे रहा हूँ बैठे, बस सिर्फ सियासती बाजी चल रही है, बाकी गरीब जनता कुछ नहीं बन रहा है। बीजेपी जो पार्टी है ना, इन्होंने खाने पे जीएसटी अपना आजकल को जो भीड़ आ रही है, आटे में जीएसटी लगेगा, चावल में जीएसटी लगेगा। जो रविंदर राणा है वो सिर्फ आऊं बैठे बस यही न्यूज चलाते हैं, और जम्मू की सियासत सिर्फ सियासती बाजी चल रही है, बाकी गरीब जनता कुछ नहीं बन रहा है। गरीब जनता बेचारी कुछ मर रही है, गैस के दाम देखो ठीक है ना, आजकल महंगाई इतनी बहुत बढ़ी हुई है। पेट्रोल के लिए स्मृति ईरानी इतना बोलती थी, गैस के लिए इतना बोलती थी, आज स्मृति ईरानी कहाँ गई हुई है। और मुझे मतलब ये लगता है कि जो जो नए नए बीजेपी के जितने भी उम्मीदवार आए हुए हैं, पुराने सारे जितने नहीं हैं, हम शुरू कास्ट से बिलोंग करते हैं, मैं ऐसी हूँ, रामदासी हैं, रवि दासी से बिलोंग करते हैं, तो हमारे अपनी रविदासी बरादरी के मुझे अपना नाम उनका याद नहीं आ रहा, मतलब राम रतन, वो हमारी बरादरी में इतना सोचते थे, और इतने पुराने आज मुझे लगता है कोई 40-50 साल पुराने वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, हमारे लोगों ने इतनी छोड़ की उन्होंने, और अपने हमारी मैंने सुना है ये रेल हमारी बंद हो गई हुई है ठीक है ना, और जम्मू की इतनी बेदर्दी हालत हो गई है, रोग दुनिया जिससे पूछो क्या कहते हैं, महंगाई की इतनी मार लगी हुई कहने बात, महंगाई हद से ज़्यादा पार हो गई है, राशन के लिए पूछो, सिलेंडर के लिए पूछो, पेट्रोल के लिए पूछो ठीक है ना, अब आप कैसा क्या करेंगे। और ये कहते हैं कि रविंद्र राणा कहते हैं आओ 40 तो पार, 50 तो पार सीटा जान दिया, इस बार मुझे लगता नहीं है 20 से 15 से पार नहीं होगी, क्योंकि महंगाई की बढ़ा दी हुई है। स्मार्ट सिटी चक्कर में स्मार्ट सिटी को लोगों ने क्या करना है, इतनी महंगाई में स्मार्ट सिटी क्या करेगी ठीक है ना, लोगों को राशन चाहिए, लोगों को अपना गरीबी दूर चाहिए, पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक कहाँ जाएगी। तो जैसे कि स्मार्ट सिटी की बात करें, वो तो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी क्या होगा जब तक लोगों की गरीबी खत्म नहीं होगी। हमें स्मार्ट सिटी चाहिए, हमें राशन चाहिए, महंगाई दूर होनी चाहिए, पेट्रोल के लिए इतने दाम बढ़ गए, गैस सिलेंडर हमें सस्ता चाहिए। कांग्रेस के टाइम मैं कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं कांग्रेस की आज दुनिया कांग्रेस को याद करती है, जब कांग्रेस थी 450 के ऊपर सिलेंडर नहीं गया आज तक, दुनिया को पता है। आज लोग कन्वर्ट हो गए हैं बीजेपी से सीधा कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी से सीधा आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो पार्टी है, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, आम आदमी पार्टी में लोग क्यों जा रहे हैं। पंजाब के सीएम ने कहा था भाई मैं बिजली फ्री कर दूंगा, अपना सिलेंडर सस्ता कर दूंगा, पानी फ्री कर दूंगा, कोई नहीं चाहिए। और जम्मू आपने जो स्मार्ट मीटर लगाए हैं, सबसे बड़ी नाकाबिलियत है जम्मू, इतनी बड़ी बेइज्जती आपने जम्मू बीजेपी वालों ने जम्मू को जूता मारा हुआ है, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। इतनी महंगाई कर दी है, गरीब बंदा बेचारा कहाँ से 6-7 हज़ार रुपये बिल देगा बिजली का। ये दुनिया पब्लिक को इस बार पब्लिक को थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, पब्लिक को अपना सोच विचार भी वोट देना चाहिए, इससे बड़ी बात कुछ नहीं कहूँगा। क्योंकि बात करें तो पार्टी का मैं ग्राउंड लेवल पे कोई काम करने का सामने है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो एनसी है, चाहे वो बीजेपी है, जब वोट आएंगे मैडम ये सभी के घरों में नॉक करेंगे, हाँ जी मैं आपके साथ ही, जी आप मेरे हो मैं आपके हूँ। अभी कोई नहीं दिख रहा मैडम ग्राउंड लेवल को काम करने वाला, क्योंकि अभी वही बंदा आएगा, वही बंदा सामने आया ना, जैसे अभी हमने सुना है अभी इलेक्शन की अभी घोषणा आने वाले इलेक्शन, अभी कोई सामने हुआ है मैडम, अभी कोई सामने नहीं आ रहा, अभी इलेक्शन होगी, इलेक्शन के 15-20 दिन पहले आएंगे, दो डोर जाएंगे, वोटिंग के लिए मांगे, वोट दो वोट कैसे होगी, वोट पड़ेगी, काम करके दिखाओ।
तुम्हारा रिएक्ट ये होगा भाई आपने असल ठीक आप आम आदमी पार्टी आए आपने काम क्या दिखाया कुछ काम करके दिखाए जम्मू में आपने महंगाई के लिए लड़े आप अभी सिर्फ एक पार्टी दिखाई थी कांग्रेस कांग्रेस का मैंने देखा दो बार न्यूज भी सुनी उन्होंने महंगाई के लिए मैडम रमन भल्ला तो वो तो मैं कहता हूँ आने वाले टाइम में सीएम भी बन सकते हैं मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता मैं अभी बोल रहा हूँ क्योंकि रमन भल्ला तो आने वाले टाइम के जम्मू में सीएम बनेंगे मुझे लग रहा है क्योंकि जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं रमन भल्ला हमेशा महंगाई के बारे में हर चीज के बारे में जैसे डिगियाना में पानी अपना नाले से पानी आया था वो मैंने देखा वो नाले नहीं चलते हैं लोग पब्लिक समस्या का हल करते हैं रमन भल्ला बीजेपी आज तक कहाँ दिखे आम आदमी पार्टी कोई उम्मीदवार के सामने नहीं आया सिर्फ आम आदमी पार्टी रैलियां करके दिखाती है काम करके ग्राउंड लगाओ तो दिखाओ ठीक है ना जुलूस वगैरह निकालो प्रोटेस्ट करो कोई महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट करो कोई कर नहीं रहा सामने कोई नहीं आ रहा मैडम और जो अपना डिजिटल मीटर लगे हैं इसके लिए कोई बोल नहीं रहा जम्मू में जम्मू वाले सभी आओ कश्मीर में देखो अपनी वीडियो देखी हुई औरतों ने गाड़ियों से निकाल के डिजिटल मीटर तोड़े हैं हमारे जम्मू में डिजिटल मीटर के लिए किसने बोला एक और नहीं है और मैडम हमारे जम्मू में सबसे बड़ी बात है 6% है इलेक्ट्रिसिटी से 6% है 6 डैम हमारे हमारे जम्मू से बिजली पंजाब जाती है बाहर दूर दराज स्टेट से जाती है हमारे जम्मू वालों को थोड़ी बिजली की थोड़ी तोड़ रही है मैं यही कहना चाहता हूँ चलो अब गवर्नमेंट के अपने अपने नुमाइंदे खड़े किए इन्होंने वो कैसे काम चला रहे हैं कैसे कर रहे हैं ये नहीं पता मैं रविंद्र रैना साहब से यही कहना चाहता हूँ थोड़ा जम्मू के लिए सिर्फ बोलने से सर कुछ नहीं होगा ये तो आपकी पार्टी जो बीजेपी पार्टी है ना जम्मू से सर दिखेगी नहीं क्योंकि हम रोड में चलते हैं दुनिया से बातें करते होती हैं बीजेपी के लिए ये कर दिया बीजेपी कर दिया सर ये लीडर आपके सिर्फ कहानी भरेंगे तो जम्मू बीजेपी पक्की मजबूत है कुछ मजबूती खत्म हो गई है आपकी ऐसा सर जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है सर महंगाई पे आप काम मैडम वो तो उनके अपने घर की बात है मगर उन्होंने क्या किया उन्होंने बिजली पानी के लिए सबसे बड़ी बात यही है आम पब्लिक के लिए बिजली पानी अब देखो जम्मू में राशन में GST लगा दिया हुआ है सबसे बड़ी बात ये है फिर देखो लोगों ने जो चीज खानी है उसमें GST लग गया है इससे बड़ी बात कौन सी है अब लोग बेचारे राशन पूरा करेंगे या बच्चों की पढ़ाई कम्प्लीट करेंगे क्या करेंगे आने मैडम जम्मू की समझो की हालत खस्ता ही हो जाएगी इस मामले में लोग एक तो कोरोना वायरस से लोगों को व्यापार नहीं चल रहे हैं ठीक है ना अब कोरोना वायरस फिर से आ रहा है मास्क को डालना ही सबको अब कोरोना वायरस से आगे तो मार लगी हुई है ठीक है ना अब GST की वजह से लोगों को इतनी खस्ता हालत हो जाएगी लोग भूखे मर जाएंगे मैं कहता हूँ मैं डोगरी में एक ही बात बोलूंगा जम्मू में एक ही काम हो रहा है अन्नी पी है तो कुत्ती चटा है वही हिसाब हो रहा है अन्नी पी है तो कुत्ती चटा है वही हिसाब हो रहा है जम्मू में कुत्ती चटा है वही हिसाब हो रहा है बस भाषण देने से या बोलने से कुछ नहीं होगा महंगाई को दूर करो सबसे बड़ी बात यही है आऊं बैठे रहा बस यही बात बोलने से कुछ नहीं होगा आऊं बैठे रहा जो सुबह से डोगरा को जीत जाएगा।